हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता मरंद्रा, प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डिजिटल नेटवर्कर। का जो मेरा वीडियो है वो है गुड हेल्थ के बारे में, जिसमें 5 टेस्टिमनीज है। आज हम वो टेस्टिमनीज के बारे में जानकारी लेंगे। ये है फॉर एवर की गुड हेल्थ बुक द एलोवे, जहाँ पे बताया गया है काफी सारे सेशंस में कि एलोवेराज के क्या क्या बेनिफिट्स है और क्यों अच्छा है। गुड हेल्थ में 5 टेस्टिमनीज है जो बहुत पावरफुल टेस्टिमनीज है। ये टेस्टिमनी नंबर 1 है। इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि इन्हें एक प्रॉब्लम थी साइनस की। साइनस की प्रॉब्लम कैसी होती है वो मैं आपको एक पिक्चर शो करूंगी, जहां पे आप ये देख सकते हो कि जो लेफ्ट साइड है वो हमारा प्रॉपर है और जो राइट साइड है वहां पे आप देख सकते हो कि वहां पे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। अब वो ब्लॉकेजेस की वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि हमें नोज में प्रॉब्लम होती है, हमें हेडेक होता है बहुत टाइम से, और इसकी कोई क्योरिटी नहीं मिलती है और काफी सारे एंटीबायोटिक्स हमें लेने पड़ते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने खुद ने बोला कि ये काफी सारे डॉक्टर्स के पास गए एंटीबायोटिक लिए, जो उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है। पर जब 2000 में उन्हें फॉरएवर मिला, तब उन्होंने यूज किया फॉरएवर एलोवेरा जेल एंड फॉरएवर बी हनी। तो जहाँ पे उन्हें धीरे 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 उन्हें नींद आने लग गई, उनको जो ये प्रॉब्लम थी वो रिकवर होने लग गई, और आज वो खुद फॉरएवर एलोवेरा जेल फॉरएवर बी हनी यूज करते हैं, और जो भी उनके फैमिली मेंबर्स में उन्हें फ्रेंड्स रिलेटिव कोई भी नेबर मिलता है उन्हें वो रिकमेंड करते हैं। सेकंड टेस्टिमनी है एक हाउसवाइफ की, जिन्हें एक प्रॉब्लम थी डिस्क की। डिस्क एक ये प्रॉब्लम है जो आप ये फोटो में देख सकते हो, कि जहाँ पे हमारी जो बॉडी का जो बैक का जो बोन है, हमारा जो बैक है उसका जो बोन है वहां पे आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल बोन है और एक प्रेशर दे रहा है, जो हमारे बोन को ऐसे प्रेशर दे रहा है जिससे हमें एक पेन होता है, वो अनबेरेबल पेन होता है। जिसे हम बैक पेन भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आप ये देख सकते हो उन्होंने काफी ट्रीटमेंट कराई है। यहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल भी मेंशन किया है जो सांता क्रूज में था, और उन्होंने ये भी बोला है कि उनको एक सर्जरी भी बोली गई थी जिसकी कॉस्ट 1 to 1.2 lakhs की थी, पर वो अगर सर्जरी करते तो उसमें एक रिस्क भी था कि वो पैरालाइजिंग हो सकते थे, जहां वो 15 से 20 हजार सिर्फ मेडिसिन ही खा रहे थे। वहां पे उनके हस्बैंड के एक फ्रेंड थे जो फॉरएवर में कंसल्टेशन किया, उन्हें एक नेचुरल ट्रीटमेंट बताया उनकी प्रॉब्लम का। तो जब उन्हें 2004 में फॉरएवर मिला, न्यू ईयर था हिंदूज का, तब उन्होंने एलोवेरा जेल और ओमेगा 3 आर्टिक्सी और एमएसएम जेल ये लिया, तो उन्हें काफी सारा रिलीफ हुआ और 80% रिलीफ हुआ, और विद इन सिर्फ 2 to 3 weeks में उन्हें रिजल्ट मिले, जहां पे उनके बहुत सारे पैसे बच गए सर्जरी के, जो पेनफुल भी होती और यहाँ पे उनका पेन लेस काम हो गया, यहाँ पे कुछ भी पेन नहीं हुआ। आज वो लोगों को बताते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। थर्ड टेस्टिमनी, ये जो थर्ड टेस्टिमनी है ये बहुत, मैं बोलूँ तो एक छोटे बच्चे को हुआ था, वो सिर्फ न्यू बॉर्न बेबी था 2 डेज का, जिसे जॉन्डिस हो गया था और फीवर हो गया था हॉस्पिटल में, और उनकी फैमिली उन्होंने लाखों रुपए स्पेंड कर दिए थे ट्रीटमेंट में, पर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर वो टाइम पे उन्हें फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया एलोवेरा जेल फॉरएवर बी हनी एंड फॉरएवर राइट अल्ट्रा, जहां पे उन्हें 15 डेज में इम्प्रूवमेंट दिखी 20 to 25%, और फिर कुछ महीने बाद 50% दिखी, और फिर उसके नेक्स्ट मंथ ही उन्हें 80% बेटरनेस लगा, जहां पे उसे कोल्ड कफ और प्लस निमोनिया हो चुका था, जॉन्डिस हो चुका था। वहां पे अब आज वो बच्चा स्कूल भी जा रहा है और उसकी फैमिली काफी ब्लेस है, और सब कुछ हुआ था ये फॉरएवर के जो बेनिफिट है, जो मिराकल प्लांट बोला जाता है एलोवेरा को, उसके वजह से, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो जस्ट बॉर्न बेबी 2 डेज को उसे जॉन्डिस हो चुके थे। टेस्टिमनी जो मैंने फॉरएवर का प्लेटफॉर्म जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी, जिनका नाम है फजीला। इनको एक बीमारी थी लुपस की, और ये 90% बीमारी सिर्फ औरतों को होती है, 10% ही आदमियों को होती है, और लुपस का कुछ भी इलाज नहीं, कुछ भी इलाज नहीं है। अगर मैं आज के टाइम की भी बात करूँ तो लुपस सिर्फ 1000 पेशेंट्स हैं इंडिया में आज के टाइम पे,
पर ये इन्हें प्रॉब्लम थी 17 इयर्स पहले की बात है, जब फजीला जी को ये प्रॉब्लम हुई तो ये डिजीज में जूझ रहे थे, इन्हें कुछ भी अलाउड नहीं था। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली उन्हें बोला था कि उन्हें सन के पास नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, वो टीवी भी नहीं देख पाते थे। फिर उनके लाइफ में उनके कजन थे नाहिद, जो फॉरएवर में मैनेजर की पोस्ट में थे, उन्होंने बात की उनके भाई से, उन्होंने एलोवेरा के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताया, फिर उन्होंने एलोवेरा जेल यूज किया और उन्हें एक्सट्रीम लेवल तक रिजल्ट मिला है। और आप वीडियो बताओगे, उन्होंने खुद से बोला है कि आज भी उन्हें प्रॉब्लम है, उनके बॉडी के अंदर लुपस है, लुपस कभी जाता नहीं है, पर आज वो कैसे फॉरएवर के प्रोडक्ट से उन्हें जो मिराकल रिजल्ट्स मिले हैं वो आप उन्हीं की जुबान ही सुनोगे। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो फूड टेस्टिमनी के ऊपर ही होगी, जहाँ पे मैंने खुद ने अटेंड किया है फॉरएवर का सेमिनार, जहाँ पे उन्होंने खुद ने अपने बारे में बताया है। अगर अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन ऑन कर लीजिए, जहाँ पे आप ये मिस ना करें ये टेस्टिमनी, जो बहुत पावरफुल टेस्टिमनी है। लास्ट टेस्टमनी है जो कि फिफ्थ टेस्टमनी है, जहां पे ये रोबोट नाम के व्यक्ति थे, जहां पे वो जब फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनके ऊपर कुछ गिर गया था, हार्मफुल ऑब्जेक्टिव गिर गया था, टन ऑब्जेक्टिव 20 टन का ऑब्जेक्टिव गिर गया था उनके पैरों के अंदर। काफी सारे पेन एंटीबायोटिक उन्होंने ली है, बहुत सारा रिस्क हो गया था उनके पैरों में, जैसे कि आप ये फोटोज में देख सकते हो, काफी सारे उन्होंने इलाज कराया था। उनका जो बोन था वो ही मेजरली मैं बोल सकती हूँ काफी कुछ सड़ रहा था, उनको काफी स्किन प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उनके लाइफ में फॉरएवर आया, जहाँ पे उन्होंने फॉरएवर से एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेली और एलोपोपोलिस यूज की, जहाँ पे उन्हें काफी अच्छे रिजल्ट आए, जहाँ पे उनकी जो स्किन की लेयर चली गई थी वो रिकवर नहीं हो रही थी, हील नहीं हो रही थी, वहां पे स्किन एक लेयर आना स्टार्ट हो गया था एलोवेरा जेल की वजह से, जो कि उनके लिए बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट था, जो कि आप ये फिफ्थ टेस्टिमनी में देख सकते हो। एक कोट बोला गया है आयुर्वेदा में 500 BC के टाइम पे, इफ द डाइट इज रॉन्ग देन मेडिसिन आर नो यूज, इफ द डाइट इज राइट देन द मेडिसिन आर नो नीडेड। अगर आपका डाइट, आपकी बॉडी अच्छी है तो आपको मेडिसिन की कोई काम नहीं करेगा। आज के टाइम पे देख लो, बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, पीओएस, ऐसे प्रॉब्लम से कैंसर के किसी की कोई इलाज नहीं है, मेडिसिन भी काम नहीं करती, मरते दम तक हमें मेडिसिन खानी पड़ती है। पर अगर हमारा डाइट अच्छा है तो मेडिसिन की भी कोई नीड नहीं है हमारी बॉडी को। तो आपकी बॉडी है, आपको डिसीजन लेना है कि हमें हमारी बॉडी को क्या देना है, अच्छा देना है, बुरा देना है, ये आपका डिसीजन रहेगा। ये था एक शॉर्ट वीडियो गुड हेल्थ के बारे में, जहां पे मुझे आज बताना था जो गुड हेल्थ में टेस्टिमोनीज है, 5 टेस्टिमोनीज जिन्हें रिजल्ट दिया है। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है वो कोई मेडिसिन नहीं है, ये एलोवेरा ड्रिंक प्रोडक्ट्स बनाती है, स्किन केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और वेट मैनेजमेंट के कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स बनाती है, और ये कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब डोज नहीं है, लेट योर बॉडी डिसाइड, और ये कम्प्लीटली नेचुरल एंड सेफ है यूज करने के लिए। अगर आपको ये गुड हेल्थ की बुक चाहिए PDF तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपको ये PDF शेयर करूंगी। और एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो फजीला जी के ऊपर होगी, जो उन्होंने खुद ने स्टेज पे बोला है उनके बारे में, उनकी एक रियल टेस्टिमनी होगी। और उसके बाद और एक रियल टेस्टिमनी मैं जरूर शेयर करूंगी, जो मैंने ऑफिस में देखी है, सुनी है, और जो जिससे आपको पता चलेगा कि ये कितने पावरफुल प्रोडक्ट्स है, कितना पावरफुल एलोवेरा में ताकत है लड़ने के लिए। सो स्टे ट्यून सो मच, लुक बेटर एंड फील बेटर एंड स्टे हेल्दी।